सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का टाइम है, बन रही है चाय और यहाँ पे एग भी उबल चुके हैं और मैंने बनाई है आज मेथी के पराठे। तो ये बन रहे हैं मेथी के पराठे, और मेथी के पराठे सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो और कमलेश आ चुकी है अपना काम करने, काम हो गया है स्टार्ट। आज मैंने करवाई थी कुछ डीप क्लीनिंग घर की, तो इसलिए थोड़ा सा लेट चल रहा है काम। और ये जो इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे ना, इसको भी बांधने हैं प्रेस के लिए, और ये भी जाएंगे प्रेस के लिए। और यहाँ देख लेते हैं सुबह बाहर का मौसम, धूप कितनी अच्छी निकल रही है। और ये जो पंछियों का दाना है ना, मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि उनको नज़र आ जाता है, नहीं तो वो बेचारे ढूंढते ही रहते हैं। और आज भी यहाँ पे है शादी। तो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो चुका है 2 और मैं मिल रही हूँ आपको इस टाइम, क्योंकि आज जो थी वो थोड़ी सी घर के कामों में जो थी वो देर हो चुकी थी, और मैं इसलिए अब नहाई हूँ। 2 बज चुके हैं क्योंकि मैंने आज करवाई थी थोड़ी सी कमलेश से घर की सफाई, डीप क्लीनिंग, तो इसलिए जो टाइम था वो ज़्यादा लग चुका है सफाई में, तो इसलिए बहुत लेट भी हो चुका है। तो और व्लॉग तो सुबह से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन आपको, आपसे मिलना भी ज़रूरी था और आपको आफ्टरनून कहना भी ज़रूरी था। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में और कर लेते हैं पहले लंच की तैयारी, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो और मैंने आज अपने जो है वो गर्म सूट भी निकाला है, क्योंकि अभी निकालने हैं, अभी एक ही निकाला है क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है। तो ये देख लीजिए, मैंने निकाल लिया आज अपना गर्म सूट, क्योंकि शाम को जो है वो ठंडा सा हो जाता है मौसम। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, हमारा खाना बनना शुरू हो गया और यहाँ पर लंच भी स्टार्ट हो गया किचन में, और करते हैं लंच की तैयारी। और मैं बना रही हूँ आज मटर आलू की सब्ज़ी। मैं बना रही हूँ ये मटर आलू की सब्ज़ी दोपहर में, और साथ में चावल जो मैंने भिगो दिए। तो गाइस, किस किस को मटर आलू की सब्ज़ी पसंद है या मटर पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मटर आलू की सब्ज़ी बनती है ना गर्मी सर्दियों में, बहुत ही यम्मी लगती है, क्योंकि मटर बहुत बहुत ही अच्छे आते हैं सर्दियों में। तो यहाँ बन रहे हमारे चावल, वो मैंने रख दिए हैं बनने के लिए, और साथ साथ में भुन रहा है हमारे मटर आलू की सब्जी के लिए मसाला। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम मटर आलू, और मटर आलू की सब्जी जो है वो बहुत आलू की सब्जी बनके हो चुकी है रेडी, और देख लीजिए कितनी अच्छी बनी है। और इसमें डाल देंगे हम बहुत ही सारा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिए के बिना सब्जी जो है वो अधूरी लगती है। तो ये डाल दिया हरा धनिया, और अब इसकी लुक जो है और चेंज हो गई। फाइनली जो है मैंने सर्दियों के कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इतने दिनों से टाइम नहीं मिला था, लेकिन मौसम भी अब चेंज हो गया है, शाम के टाइम लगती है ठंड, तो मैंने निकाल लिए हैं ये कपड़े। इनको लगवाएंगे पहले धूप, क्योंकि इसमें आ रही है स्मेल फरनेल की, तो इसको लगाएंगे पहले हम धूप, और उसके बाद हम करेंगे सेट। तो मैंने निकाल लिए हैं और करते हैं अपना काम स्टार्ट सर्दियों का। जैकेट्स वेलवेट की चद्दर है जो मैंने पिछले साल ली थी, बिछाई नहीं, लेकिन इस बार इसको बिछा ली। काफी इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, नेवी ब्लू में वेलवेट की है, ये बहुत ही प्यारा कलर है, तो इसको भी बिछाएंगे इस बार। और यहाँ पे रखे हैं ये जैकेट्स, इनको भी लगाते हैं धूप, और ये भी कुछ कपड़े निकले हुए हैं, इनको भी धूप लगाते हैं, और कुछ तो मैंने धूप में डाल भी दिए हैं। हर दिन जो है घर के कामों में ही निकल जाता है, और कभी ये कभी वो, अकेले रह के भी सारा दिन जो है वो कामों में बिजी ही जाता है। तो अभी ये सारा सर्दियों के लिए हरा निकाल लिया है,
इसको भी करना है सेट, और कुछ बाहर धूप लग रहे हैं उनको भी उठा के लाना है, और फिर इनको भी लगाएंगे धूप। तो ऐसी है, क्या कर सकते हैं, चलिए काम तो करना ही है। और कुछ कपड़े मैंने बाहर भी डाल दिए हैं धूप लगाने के लिए, सुबह ही डाल दिए थे, तो ये भी सब गर्म कपड़ों में धूप लग चुकी है, क्योंकि फरनेल की गोलियां डली होती हैं ना, तो इसलिए स्मेल आ रही होती है। तो ये सब मैंने डाल दिए हैं, इनको भी उठाते हैं। भी यही कर रहे होंगे, सब्जियों का टाइम तो आ गया है, कपड़े निकालना पहले गर्म और उसके बाद रखना, अभी तो फिलहाल निकल ही रहे होंगे। तो आप लोग अगर भी यही चल रहा होगा जैसे मेरा चल रहा है, तो इसलिए सारा दिन जो है काम में बिजी निकल जाता है। चलिए सो ये देख लीजिए हमारी फिश को भी, और ये लगी हुई अपनी मस्ती करने, शाम का टाइम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेगुलर 5-6 दिनों से शादी ही हो रही है, तो आजकल शादियों का मेरे यहाँ पे फुल रौनक रहती है, क्योंकि यहाँ पे शादियों का बैंक्वेट हॉल है, फंक्शंस बहुत होते हैं फुल। और यहाँ बन रहा है हमारा डिनर, और मैं बना रही हूँ ये फ़िश फ्राई, और क्योंकि हमारे पति देव जी को फ़िश फ्राई बहुत पसंद है, तो ये बन रही है फ़िश फ्राई उनके लिए। सो गाइस, डिनर हमारा हो चुका है और टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, और वीडियो एडिट करते करते ध्यान आया कि वीडियो का एंड तो किया ही नहीं, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो का एंड भी। और आज का जो मेरा पूरा दिन था वो सिर्फ घर के कामों में ही निकला है, और पूरा दिन मैंने घर के काम ही किए हैं, मतलब ये गर्म कपड़े निकालना, सेट करना, चादरें रखना, और गर्मियों की चादरें रखना, सर्दियों की निकालना, बस इसी को सेट करने में सारा दिन निकल गया। धूप लगाई, फिर सब सामान, सब कपड़े अलमारी में रखे सेट करके, तो आज पूरा दिन जो है वो मेरे घर के काम में ही निकल गया। तो ये मेरा पूरा डे रूटीन वर्क था। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए, तो चलिए करते हैं व्लॉग का एंड भी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो एक बटन ही तो क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए करते हैं व्लॉग का एंड भी, और मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, और साथ में रखिए अपने पेरेंट्स का भी ख्याल। सो अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।